गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज लेटेस्ट अपडेट ऑन क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, अभी जो हमारा भारत सरकार, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो नज़र है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। तो जो ये जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो लोग, जो माइनर्स है, जो माइनिंग करते हैं या जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा भी इनकम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है ये क्रिप्टो करेंसी के चलते या क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार में निवेश करके डूब भी रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है अपना बहुत सारे पैसा गंवा रहे हैं। उसके वजह ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो लोग जो है इस चक्कर में क्या है, फंस जाते हैं और अपना बहुत सारे जो रुपया है, जिसको बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, उसको गवा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो है इसकी जरिए से बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। इस तरह की ये जो करेंसी जो माइनिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इसका जो एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो लोगों को उस तरह मोटिवेट करते हैं। मतलब इसी तरह इसमें माइनिंग होता है। रात रात भर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीब से गरीब बन जाते हैं। अभी ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके ऊपर हमारा जो भारत सरकार का पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसलिए हमारा जो भारत सरकार है, हमारा जो आने वाला विंटर सेशन जो कि 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, उसके ऊपर कुछ बैंड लगाने जा रहा है। हमारा जो बिल है 26 बिल जो विंटर सेशन में जो है प्रोसीड होने जा रहा है, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनने जा रहा है, उसमें उन 26 बिल में से जो 10वां नंबर सीरियल नंबर पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, उसका उस करेंसी को बैन लगाने के ऊपर जो है कि बिल उसी बिल में है, जो 26 तमाम बिलों में से जिसका जो है सीरियल नंबर 10 है। तो ये सारी चीज़ बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों के लिए, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं, जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये एक वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाया जाता है। ये वर्चुअल करेंसी 2000 मेड थ्रू क्रिप्टोग्राफी, जो कि क्रिप्टोग्राफी की मदद से जो है बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है हमारा इंडिया में उसका एक एक्सपेक्टेशन ये है, जो अप्रोक्स जो है 7000 प्रकार के जो क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट करेंसी है, जिसका माइनिंग इंडिया में किया जा रहा है। और इसमें लगभग जो है 10 करोड़ लोग इस माइनिंग के अंदर शामिल हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं, जो कि हमारा टोटल पॉपुलेशन का 8% माना जा रहा है। और इसमें जो निवेश होने वाला जो पैसा है, जो रुपीज है, लगभग 70,000 करोड़ जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, ऐसे जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो भारत सरकार इसके ऊपर अनुमान लगा रहे हैं। बट तो इस जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्चुअल फैक्ट है, जो मैंने जैसे कि बताया, जो 7000 की टाइप्स में जो क्रिप्टो करेंसी हमारा इंडिया में अभी प्रचलित है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जो कि प्राइवेट है, जिनको ट्रेसेबल करना इंडियन गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है उनको, तो ना ये ट्रेसेबल हो रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट इस टाइप का जो प्राइवेट करेंसी है,
उसके ऊपर उसका संदेह यह है, ये ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत काम में इसको निवेश किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो टेरर फंडिंग बोलते हैं उसमें जो है निवेश हो रहा है, और ना जो ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इसके इससे सरकार को कुछ फ़ायदा है। सिर्फ जो माइनिंग्स करने वाले या ट्रेडिंग्स करने वालों को फ़ायदा या नुकसान जो भी है उनको होता है, हमारी देश को इसमें भारत सरकार के कहने के हिसाब से इसको कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये कोई टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ना ये हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके द्वारा रिलीज किए हुए कॉइन है, ये करेंसी नहीं है। तो उन तमाम जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो कि हमारा RBI के द्वारा रिलीज नहीं है, उन तमाम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारा भारत सरकार जो है विंटर सेशन में वो बिल लेने जा रहा है, जिस बिल का जो बिल जो है इस प्रकार है, द गवर्नमेंट लिस्टेड द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। वो जो हमारा आउट ऑफ 26 बिल में से जिसका सीरियल नंबर 10 है उसके अंतर्गत है, जो कि हमारा विंटर सेशन में जो कि 29 से शुरू हो रहा है, 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसमें उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है कुछ जो करेंसी है उसको मंजूरी दी जाए, ताकि और वो उसका जो एक्सचेंज बनाया जाए, वो जो कॉइन रिलीज किया जाए वो RBI के द्वारा हो, ताकि उसमें हमारा जो देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो लोग जो है जो लोग मतलब ठग जाते हैं उस तरह की ठग मतलब उसमें उससे वंचित हो जाएंगे, जो लोग बुरी तरह से इसमें डूब जाते हैं वो लोग डूबने से बच जाएंगे। देखिए दुनिया में हर कोई इंसान चाहता है रात रात भर में अमीर बनना चाहता है, मगर ये इसका कोई ना कोई एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। इसको हमारा भारत सरकार जो है भारत सरकार का मंजूरी में होना चाहिए। ये जो कॉइन्स है जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसका प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए। मैंने 2017 में खुद देखा हूँ, मेरा जो कुछ वर्कर्स है एक एडो कॉइन के नाम से जो क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जिसका हेडक्वार्टर मेरठ में था शुरू हुआ था, उसका एक कॉइन का रेट 50 पैसे से शुरू हुआ था। सिर्फ दो तीन महीने के 2017 लास्ट में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-4 महीने के अंदर उसका रेट 5 रुपया के आसपास पहुंच गया था एक कॉइन, जबकि 50 पैसा में उसका शुरुआत हुआ था। 3-4 महीने में 5 रुपीज़ मतलब 10 टाइम्स जो है बढ़ गया था। इसके चलते हुए बहुत सारे लोग मतलब चैन ऑफ थाउजेंड लोग हैं जो है लोग उसमें लाख जो है रुपया उसमें डाल दिए। बट उस जो क्रिप्टो करेंसी जो एडो कॉइन था कुछ दिनों के बाद 2018 में उसका बिल्कुल साइड ही गायब हो गया, वो पैसा कहाँ गया उसका कुछ नहीं पता चला। ठीक है, जो लोग लाख रुपया जो है बड़ी मेहनत से कमा के जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे सारे डूब गए। ये मेरा आंखों देखा बात जो है मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं उन तमाम जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा उन तमाम जनता से निवेदन है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इन क्रिप्टो करेंसी से पहले घुसने से पहले जो प्राइवेट की खास करके जो प्राइवेट की क्रिप्टो करेंसी है जिनका आज तक इंडिया में कोई एक्सचेंज नहीं है, जो जिनका कोई एक्सचेंज नहीं है और जो एक्सचेंज है वो RBI के द्वारा गवर्न, कुछ एक्सचेंज अगर है तो RBI के द्वारा गवर्न नहीं है, तो जिस वजह से उनका विड्रॉल एडो कॉइन में नहीं हो पाया, बहुत सारे बंदे उन्होंने विड्रॉल नहीं कर पाए, डूब गए लोग। ठीक है, तो इसलिए मेरा देश का तमाम जनता उन जनता को मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग इस मार्केट में इस माइंस में या ट्रेडिंग में घुसने से पहले एक बार पूरी तरह से इस चीज़ को समझ ले
क्योंकि जो पुरानी लोग है, जो मास्टरमाइंड है इस ट्रेडिंग के अंदर, माइनर्स है, वो तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो नए नए जो जनता है जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, उनका एक्सचेंज के बारे में पता नहीं है, उनका विड्रॉल सिस्टम के बारे में पता नहीं है, वो लोग फंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है भारत सरकार का नज़र अभी इन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, और मैं आशा करता हूँ जो भारत सरकार इस कानून का एक सही रास्ता निकाले, ताकि हमारा जो देश की जो जनता है सबको इसका लाभ के साथ, सबको इसका लाभ हो, उसके साथ साथ हमारा देश की इकोनॉमी भी बढ़े, और इसको ये प्रॉपर आरबीआई के द्वारा, यहाँ इसका जो एक्सचेंज है, इसका जो कॉइन का जो रिलीज का जो सिस्टम है, वो आरबीआई के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं जो बोला कि हमारा जो नेक्स्ट विंटर सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो एक रेक्टेंगल बॉक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो लिस्ट आउट किया है, जो कि विंटर जो आने वाला जो विंटर सेक्शन जो 29 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, उसमें क्रिप्टो करेंसी कौन सी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जो हमारा विंटर सेशन में जो बिल प्रोड्यूस होने वाला है पार्लियामेंट्री सेशन में, विंटर सेशन में होने वाला है, उसका 10th नंबर पे यहाँ पे जैसे मैंने राउंड किया वो है वही बिल, जिसमें लिखा गया है, देखो द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बिल जो है, देखिए इसका सीरियल नंबर जो है 10 पे, ये बिल जो है प्रोड्यूस होने जा रहा है हमारा विंटर सेशन जो 29 को शुरू होने वाला है नवंबर को। तो इसका मतलब ये नहीं है, इस बिल में ये लिखा गया है इसमें पूरी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा, वो नहीं है। बट इसमें एक्सपेक्टेशन ये है, इस तरह की है, कुछ जो टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसी, दैट मीन्स जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, इस तरह की जो करेंसी है जो बाहर की देशों में जैसे जापान, दूसरे बड़े बड़े देशों में है, इस तरह की करेंसी को मंजूरी दी गई है, उसी तरह की एक्सपेक्टेशन हमारा देश के अंदर भी है। इस तरह कुछ बड़े बड़े जो टॉप कॉइन्स है उनको मंजूरी दी जा सकती है। तो उसके साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो भारत सरकार है, ये इस सारे चीज़ को, इसके लिए के एक्सचेंज जो एक्सचेंज बने हुए हैं वो आरबीआई के द्वारा गवर्न होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं हमारा इंडियन गवर्नमेंट, अगर ऐसा होगा तो उन तमाम लोगों के लिए फायदा होने के साथ साथ हमारा देश की इकोनॉमी बढ़ने में भी ये हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इसी बिल को हमारा भारत सरकार इस बिल को लेकर बहुत चिंतित है जो आगे ये प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस बिल में देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें पूरी तरह से जो क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी को इसको प्रमोट भी करना है, ये जो टेक्नोलॉजी को इस ये चलते, ये माइनिंग को चलते हुए, ये क्रिप्टो करेंसी को चलते हुए लाखों हजार करोड़ों की परिवार जो है उसका गुजारा जो है कर रहे हैं, तो इसको भारत सरकार जो है पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो इसको कंप्लीटली बंद कर देगा तो उन तमाम परिवार का क्या होगा, जो तमाम परिवार इसका माइनिंग करके या इसका ट्रेडिंग्स करके जी रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं भारत सरकार जो भी डिसीजन लाएगा वो हमारा जो माइनर्स, जितने भी है माइनर्स जो माइनिंग करते हैं, या हमारा इंडियन गवर्नमेंट, दोनों को देखते हुए, दोनों का फायदा को देखते हुए कोई चीज़ जो है फाइनल करेंगे। उसमें से जैसे कुछ क्रिप्टोकरेंसी जो प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जी क्या से, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है जी क्या से, ये देखिए डास है, यहाँ पे पार्टिकल है, मोनेरियो है, ये देख सकते हैं मोनेरियो है, भर्गे है, हराइजन है, बीम है, इस तरह की कुछ करेंसी को लिस्ट आउट किया गया है, ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। तो उम्मीद है ये सारे जो कंपनी है इनको बैंड किया जा सकता है। अभी तक का
इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इतनी जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है लिस्ट आउट जो है मेरे को मिला है, तो मैं इसको आप लोगों के सामने इसीलिए रखा ताकि अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो यहाँ से इस इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे करके निकल जाइए, नहीं तो जो आने वाला जो करने वाला जो तमाम लोगों को ये करना चाहता हूँ, इन जो क्रिप्टो करेंसी है इनके ऊपर फर्दर आप लोग निवेश मत कीजिए। ये सारे यहाँ पे देखिए, जैसे ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी आर नॉट ट्रेसेबल बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार की इसका जो ट्रांजेक्शन है ट्रेसेबल नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भारत सरकार जो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने जा रहा है जो नेक्स्ट विंटर सेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉप कॉइन्स है, यहाँ पे देखिए जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, बिनांस कॉइन है, थेटर है, सोलाना है, कार्डानो है, ये है उन जो बिटकॉइन है जो टॉप मोस्ट कॉइन है, टॉप सीरियल में आते हैं, जो कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी इसका प्रचलन है। उम्मीद ये किया जा रहा है कि इन तमाम कॉइन को इसमें जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इस टाइप का जो कॉइन है जो टॉप कॉइन है इनको हो सकता है जो हमारा भारत सरकार इसको मंजूरी दे दे और इसका एक्सचेंज को RBI के द्वारा गवर्न कर दे। ये सारे जो बिटकॉइन है इनका बैंड होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये बेसिकली जो मैटफॉर्म यहाँ पे देखिए जो पब्लिक डोमेन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अंत में जो आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, जो बंदे इस ट्रेडिंग में, इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में जो नए हैं, वो इस सेक्टर में घुसने से पहले अभी हमारा सरकार का जो विंटर सेशन को ध्यान में रखते हुए घुसे, ठीक है, माइंस करें या ट्रेडिंग करें, ताकि ऐसा ना हो कि रात भर में अमीर बनने का सपने के चक्कर में आप लोग लूट जाए, ठीक है। दोस्तों अभी तक का जो अपडेट था मैं आप लोगों के सामने इसको रखा, और इसका लेटेस्ट अपडेट मेरे को जो भी मिलेगा मैं ज़रूर उसको आप लोगों के सामने इमीडिएट जो है सामने रखूँगा, ठीक है। और इसके बीच में मैंने जैसे कि एडोकॉइन की बात किया जो कि 2017 में शुरू हुआ था, दोस्तों उसके ऊपर पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनके वजह से हमारा तमाम जो मेरा भाइयों है, मेरा दोस्त है, वो लोग लूट जाते हैं, उनका ना कोई एक्सचेंज है, खाली सिर्फ बोलते रहते हैं इनका एक्सचेंज आने वाला है या उसी एक्सचेंज में हम जो है इसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनका ना कोई एक्सचेंज है, ना उनका कोई विड्रॉल सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं तमाम मेरा जो उन माइनर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ उन बंदा को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से पहले घुसने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, ठीक है। आपका कमाया हुआ पैसा है उसमें देखिए मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आप लोग अगर परेशान रहेंगे, आप लोगों का जो परेशानी है मैं समझता हूँ, ये मेरा परेशानी है, ये सोचकर मैंने ये वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग तक ये जो मेरा वीडियो है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग तक पहुँचे, आप सजाग हो, ठीक है, और आप लोग खुश रहेंगे। तो आप लोग अगर सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं भी खुश रहूँगा, ठीक है। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसके वजह से आप किसी का भलाई होगा, तो कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा दुआ तो मेरे को भी लगेगा। तो इसके साथ मेरा टॉपिक को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।